सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर आज शाम जो है जम्मू में मुख्य चुनाव अधिकारी की अगुवाही में एक बैठक जो है वो होगी और जिसमें कि तमाम जिला अधिकारी भाग लेंगे। वहीं बैठक में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा जो है वो इस पर की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और ऐसे में चुनाव की तैयारियों को लेकर आज शाम को जो है जम्मू में मुख्य चुनाव अधिकारी की अगुवाही में जो है एक बैठक होगी और जिसमें तमाम जिला अधिकारी जो है इसमें भाग लेंगे और बैठक में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा जो है वो भी की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में जो है आज यहां पर एक बैठक जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर जो है की जाने वाली है। तो फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे ही जानना चाहूंगी, यहाँ पर अगर बात करें तो आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज एक समीक्षा बैठक जो है वो भी की जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल जसलीन, लोकसभा चुनाव के जैसे नतीजे आए थे उसके बाद से ही चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ा था, पोल परसेंटेज बढ़ा था और उसमें उत्साह दिख रहा था साफ। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा जी। उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जो चुनाव करवाने वाली एजेंसीज हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। आज उन्होंने वर्चुअल मोड पर 4 बजे वर्चुअल मोड पर मीटिंग रखी है और इसमें सिर्फ विधानसभा नहीं और बाकी भी विधानसभा को छोड़ करके हमारे 4 पेंडिंग हैं चुनाव, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, पंचायत के हैं, बीडीसी के चुनाव हैं, डीडीसी का टेन्योर भी 25 में खत्म होने वाला है, इन सब पर चर्चा की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि ओबीसी को आरक्षण देना है अर्बन लोकल बॉडी में, जिसको लेकर के ओबीसी कमीशन बना हुआ है, जिसको कहा गया कि जल्द से जल्द अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सौंपे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक में इन सब पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल विनोद कुमार, वहीं अगर बात करें 2014 में आखिरी जो है विधानसभा चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, ऐसे में 10 साल बीत चुके, तो ऐसे में लोगों को किस तरह की तमाम आपको लगता है कि समस्याएं जो हैं वो देखने को मिली होंगी? देखिए, जब तक आपके पास पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है तो लोग परेशान रहते हैं, जो लोगों के इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं जो उनके इशूज़ अप्रोप्रिएट फोरम पर रखते हैं, जाकर के विधानसभा में रखते हैं, वो नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर के उनके घरों में जाते थे, उनको बताते थे कि इस तरह की परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ये डिमांड की जा रही है कि चुनाव करवाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या NDA की जो सरकार थी दिल्ली में, वो बार बार ये कह रही थी माकूल माहौल बन गया है, 2 करोड़ 11 लाख यहाँ पे सैलानी आए हैं। उसके अलावा ये भी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हुआ, तो ये सवाल उठते थे कि आखिर अगर यहाँ पे अमन है, सब कुछ है, पीस प्रवेल कर रही है, तो इलेक्शन क्यों नहीं? इसलिए लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे थे, कांग्रेस ने ये भी लिखा था कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी हो जाते, इसलिए डिमांड लगातार बढ़ रही है। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने की। तो फिलहाल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह उन्होंने भी बताया कि फिलहाल जो है आज इसको लेकर बैठक जो है वो देखने को मिलेगी।